जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है ट्यूसडे और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपना होटल से। 12 बज गए एग्जैक्ट। चाय मंगवाई अभी हम लोगों ने, जल्दी से चाय पियेंगे। डुगू को थोड़ा चेंज करना है कुछ, अपना डायपर वायपर, फिर निकलेंगे यहाँ से। डायपर प्लस क्लोथ चेंज करने हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने, पता, मेरा ओम का लॉकेट पर इधर उधर जाता है तो ना, क्या बोलते हैं, ये है हमारी गर्मा गर्म चाय जो कि मुझे रखी डलवाई नहीं है, ये रही चाय। और पैकिंग वैकिंग सब हो गई, इतना सामान था ही नहीं पैकिंग करने का, फिर भी हम इतना तो कर ही देते हैं कि ना, हम लोगों को बहुत सारा सामान है, इतना तो कर ही देते कि क्या बोलते हैं, पैक करने के लिए हो जाता, फैला ही देते हम लोग, है ना। बाय 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 कर दी, बादल तो हो रहे पर बारिश नहीं हो रही। तो चेकआउट कर दिया है हम लोगों ने, 12:30 हो गया है और अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन का ट्रिप मजा नहीं है क्यों? नहीं, वन मोर डे। तो डुग्गू कह रहा है एक दिन और चाहिए था। मैंने मम्मा भी कह रही है चले हम, आपको मास्क है? आपको मास्क नहीं है? मामा ने मास्क नहीं दिया आपको? नो मास्क, कोई मास्क नहीं मिला मेरे बाबू को, कोई मास्क नहीं मिला। तो आज 7 तारीख और 7 को अब डुगू जो है हो जाता है 2 महीने का। अगर हम लोग ये ट्रिप अपने आप से प्लान करते, अगर हम कहीं जा रहे होते तो सबसे पहले हम 2-3 दिन की ट्रिप प्लान करते और 7 को प्लान करती मैं, क्योंकि आज सेलिब्रेट होना था। वैसे 12 बजे के बाद किया है हमने कल भी रात में, पर आज होना था तो आज हम लोगों को एंजॉय करना था, सब करना था, है ना। मैं बहुत उदास हूँ आज, मैं तो आज हूँ मैं 7-2 महीने का, और आज हम घर जा रहे हैं, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग्स। तो आज है थर्सडे और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज जो है, मैंने लास्ट आई थिंक इसी में आपको क्लिप दिखी होगी, 7 तारीख
को हमने ब्लॉग किया था और उस दिन हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, हमने 6 की रात को यानी 7 को ही सेलिब्रेट किया था 12 बजे के बाद। उस दिन हम लोग घर पहुंचे हैं और हम लोगों ने ब्लॉग नहीं किया है, हम लोग भटकते रहे हैं 7-8 और आज 9 है। आज 9 तारीख है और बड़ी मुश्किल से हम लोग को 7 तारीख को की रात को 8 तारीख की रात 8 तारीख की रात को गणेश जी मिले। 2 दिन हम लोग इतना ज्यादा भटके हैं गणेश जी लेने के लिए, गणेश जी मिले ही नहीं रहे थे और वो भी रात को 12:30 बजे कहीं पे मिले और इतनी तेज बारिश आ रही थी, लेकिन एक नजर में कहते हैं ना किसी को कोई चीज मिलनी होती है तो वो मिलके ही, बहुत तेज बारिश में मैं हो सका तो क्लिप डालूं शायद। हाँ 12:30 बजे रात को नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, लेकिन हम लोग जो चाह रहे थे जो हमको चाहिए थे वो गणेश जी एट लास्ट हमको मिल ही गए। एक्चुअली में ना हमें जितने मिल रहे थे वो या तो बहुत छोटे थे या बहुत बड़े थे, परफेक्ट साइज नहीं मिल रहा था। 3-3.5 फीट या 2.5-3 फीट के चाहिए थे, जो हमारा हम स्टेज बनवाते हैं उसमें 2.5-3 फीट के ही आते हैं, बड़े ज्यादा बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और बड़े रख नहीं सकते इतने ज्यादा, घर में लाने में दिक्कत होती है और ले जाने में भी दिक्कत होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश जी, तो अभी हम लोग फाइनल करके आ गए थे 8 तारीख की रात को, आज हम लोग लेने जा रहे हैं गणेश जी। जय जय इस बार तो गणेश जी स्पेशल आने वाले हैं क्योंकि हमारे पास कौन है, हमारा प्यारा सा छोटा सा बेबी। तो डेकोरेशन हो गई है घर में, लाइटिंग वाइटिंग सब हो गई है, तो चल चलते हैं और करते हैं गणपति जी गणपति बप्पा 2021 गणपति बप्पा गणपति बप्पा जय गणेश जय गणेश। निकल गए हैं गणेश जी को घर लाने के लिए, तो राजा गए हैं कुछ पूजन का सामान लेने और जो बाकी का पूजा का सामान है वो सुबह ये लेके आएंगे। और कल है ना गणेश जी की पहला दिन है और पूजा जो है वो कल पंडित जी आएंगे प्रॉपरली और बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ना अभी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं लाल कपड़ा और अगरबत्ती और ना वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ से पूजा करके लेके आते हैं गणेश जी। तो मम्मी पापा को भी आने का बहुत मन था पर मम्मी की तबीयत जो है ना वो ख़राब है अभी क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, इसीलिए मम्मी नहीं आ पाई है। पर कल पूजन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मम्मी सीढ़ी जो है ना वो चढ़ पाए, मम्मी के पैर में तकलीफ है, बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए चलते हैं और लेके आते हैं गणपति जी। हमने गणेश जी कहाँ से लिए थे, कौन सी जगह है, मेडिकल ना, मेडिकल के आगे से लिए, मेडिकल के पहले लिए, मेडिकल से आगे नहीं है, आगे है पहले, आगे मेडिकल क्रॉस किया, हाँ क्रॉस किया जो है, हाँ मेडिकल मेडिकल कॉलेज क्रॉस किया। तो यहाँ पे पूरे गणेश जी हैं, बहुत सारे गणेश जी हैं। तो हम लोगों को मूर्तिकार चाहिए थे जो मूर्तिकार बनाते हैं, तो यहाँ पे बैठते हैं। एकदम से याद आया, तो हम लोग को 8 तारीख को याद आया, हम लोग इतनी छोटी छोटी गलियों में घुसे हैं ना राजा, इतनी सारी जगहों पे घुसे हैं, छोटी छोटी सी गलियों में घुसे हैं और मिली है तो सारे बुक जो हम लोग को चाहिए थे वो सारे बुक। और इस बार हम लोगों को बच्चे के हिसाब की चाहिए थे कि जो भी है पता चलेगा, सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ पर पता चल जाएगा, सब कुछ अच्छा चाहिए। इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही है, कीचड़ हो रही है। तो और कौन सा चूहा बोल रही है, अरे मैं बोल रही चूहे अच्छे अच्छा लग रहे अच्छा हैं। ओके ये घंटी मजबूत है ना, आ गए हाँ यहीं पे कर, खोल फोड़ दो ना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश।
हेलो हाँ हाँ जय गणेश जय गणेश खराब है जय गणेश आगे कर दो थोड़ा सा नीचे बस उनकी वो उनका वो टच करो भैया अभी गिर जाता मैं जय गणेश तो गणेश जी आ गए हैं और ये रहे हमारे गणेश जी और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस और बारिश जो है वो हो रही है पूरी लग रहा था कि आज पता नहीं कैसे हम लोग आएंगे तो हम लोग काफी लेट हो गए ना आज आते आते बारिश रुकी नहीं रही थी अभी तो फिर भी हल्की हल्की पहले बहुत ज्यादा तेज हो रही थी वो थोड़ा ऐसे सपोर्ट देना पड़ेगा मैं दे दूंगी हाँ। तो चलिए चलते हैं बाहुबली से कम ही थे वो बाहुबली 1 2 3 बाहुबली सो गए थे कल मोरिया दिया मोरिया रे बप्पा मोरिया वो भी ये भी आया स्वागत करने मोरिया अगले बरस तू जल्दी ओहो ओहो आ जाओ ना अच्छा चप्पल पहनी हो एक जय गणेश 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 भारी है जय गणेश 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 हो जाएगा हो जाएगा जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश ब्रीथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश कर लेना भारी था अकेले के बैठ के उसको पकड़ा दो पकड़ते हैं से दो जने पकड़ते हैं हम लोग आ गए हैं और गणपति जी भी आ गए हैं और डुगू भी आ गए हैं तो आदि जय जय कर दो तो ये सो रहा है मैं भी खाना बनाऊंगी मेरी मम्मी की तबीयत जो है ना वो ख़राब है मम्मी को वायरल हुआ है अभी क्या है मौसम थोड़ा सा ख़राब है ना और उनके पैर में भी तकलीफ़ है क्योंकि गणपति जी आए तो कहते हैं ना हिम्मत आ जाती है तो मम्मी ऊपर आ गई कल पूजा करेंगे इन्हें अकेले उठा लिया तो इतने अच्छा लग रहा है तो कल होगी पूजा और कल ही सामग्री वगैरह जो भी है सवाई कल स्थापित होंगे मतलब कहते हैं मूर्ति को जागृत करना पड़ता है तो कल जो भगवान जी की मूर्ति है वो जागृत हो जाएगी और हम करेंगे 10 डेज का ऑसम सेलिब्रेशन जैसे हमने पिछली बार किया था पिछली बार बहुत ही मज़ा आया था इस बार जो मज़ा है वो डबल ट्रिपल आएगा है ना बब्बू चाह रही हूँ कि अभी थोड़ी सी देर से सोए और उसके बाद फिर मैं ना फटाफट खाना बनाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भयानक वाली भूख लग रही है तो गणेश जी के हम आपको दिखा सकते हैं मूषक तो गणेश जी के मूषक बैठे हैं वहाँ पे वो भी गणेश जी के सिर्फ मूषक दिखा सकते हैं ये पूरी डेकोरेशन आज हुई है कितने घंटे लग गए थे राजा लाइट्स वगैरह भी कराई ना हाँ तो 3 घंटे लग गए तो ना हम लोगों ने यहाँ पे पूरे में लाइट इस बार थोड़ा सा लाइट वगैरह करा दी कि जो बलून थे ना ये जन्माष्टमी के ही लगे हुए हैं हमने हटवाए नहीं हमें लगा कि ठीक है लगे रहने दो गणेश जी भी आ रहे हैं
तो फिर अलग से हम करवाते या नहीं करवाते, तो एकदम प्लेन लगा था। पिछली बार हम लोगों ने जब यहाँ पे स्टेज लगाया था तो बलून्स बाद में लगवाए थे, बाबे खाई लगने लगे थे ना, तो उसके बाद हम लोगों ने लगवाया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। तो मम्मी पापा का बहुत मन था जाने का, पर नहीं जा पाए तब बेटी का है। और ये हंस रहा है, हंस लो थोड़ा सा। नहीं ओ मम्मा, मैं तबियत में ना सपना देख रहा हूँ। और इसने दादाजी को बहुत परेशान करा था। एक्चुअली मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी ने तो लिया नहीं था, तो उसने दादाजी को बहुत परेशान किया। एक्चुअली मैं जैसे दादाजी रख रहे थे आधी को बेड पे, तो ये 5-10 मिनट सो रहा था और उसके बाद उठ रहा था, फिर सो रहा था, फिर उठ रहा था। मतलब गोदी में शांत था और वैसे उठ रहा था। क्या मिडल ये? तो कल के लिए मैंने भिगो दिए हैं छोले, तो हम चार भी आए, मम्मी पापा मैं और राजा। हम लोग कल सोच रही हूँ मैं कि छोले भटूरे बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाना भी चेंज जाएगा और पहला दिन है ना तो अच्छा भी लगेगा। मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी के लिए हम कुछ खिचड़ी विचड़ी देखेंगे, मम्मी को ये नहीं खाना होगा तो देखेंगे, मम्मी के लिए कुछ अलग बना देंगे। कल क्या है, जो खाने वाली हाउस हेल्प है वो नहीं आएगी, क्योंकि आज तीजा है। तीजा अगर आप एमपी में रहते होगे तो बनता है, वो हस्बैंड के लिए व्रत रखा जाता है, बहुत ज़्यादा टफ व्रत होता है, मतलब फास्टिंग होती है उस दिन। तो आज सबके घर में रात भर जो औरतें वो कीर्तन करती हैं, जगती हैं, और हम लोग के यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है, मतलब मेरी मदर इन लॉ के यहाँ भी करवा चौथ मनाया जाता है, तो वही रिचुअल, और मेरे मायके में वही बनाया जाता है, तो वही रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। तो ना मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिए, मैं आलू जीरा और रोटी और एक आलू बीन्स की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत भयानक सी भूख लग रही है। तो बीन्स सब्जी मैंने चढ़ा दी है, अब मैं ढक रही हूँ, फटाफट ये बन जाएगी। हम लोग गणेश जी लेके आए थे तभी से सोया हुआ है, और उसका उठने का ना टाइम हो रहा है, वो कभी भी उठेगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूं। मेरे सर में ना ब्लास्ट हो रहा है, एक्चुअली मुझे हेडेक हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी चाय भी बनाएंगे अपने लिए, मेरे को ना एक कप चाय मिल जाए। आज सुबह से एक बार भी चाय नहीं हो पाई है, मैंने सुबह ग्रीन टी ली थी और उसके बाद से मैं चाय ही नहीं पी। हो गया तो ये हो गया है, ये हो गया है, यहाँ पे रोटी और पराठे दोनों मैंने बना दिए हैं, और अभी ये चाय जल्दी से उबल जाए। इस बीच में मैं थोड़े से बर्तन भी करती जा रही हूँ, क्योंकि तीजा है आज, मेरी जो हाउस हेल्प है वो नहीं आएगी और मेरे साथ काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हमारा डुगू जो है ना वो भी अपनी मसाज करा रहा है, तो इसकी नाइट मसाज चल रही है, और इसके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी सी छुपाने वाली वीडियो है, ये नंगू है आज ही पूरा नंगू है। तो एक्चुअली में क्या है, इसको ना 2 दिन से ये नहीं हो रही है ये, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं अभी लाई हूँ हल्का सा ना गर्म पानी में हींग डाल के, और इसे मैं अब नाभि में वो करूँगी और साथ में मसाज भी कर रही हूँ, ताकि क्या होता है ना कुछ एक्सरसाइजेस आती है ऐसी, जब मसाज करते हैं ओ मम्मा फिर से सुसु कर दिए इसने यार 15 मिनट हुए थे अभी। हाँ, 15 मिनट 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट ना हुए होंगे और क्या। वैसे बच्चे लिक्विड खाते हैं, मतलब जो लिक्विड ही फूड होता है, तो आई थिंक पी के थ्रू कितना तो पूरा निकल जाता है। नंगू शेम शेम मसाज हो रही है, हींग लगा रही है। मम्मी बोल रही सुहागा खिला उसे। इसको? हाँ। होटल तुमने क्या? हाँ। हैं? सुहागा क्या होता है? वही जो इसको सर्दी के लिए खिला रहे थे। जे बहुत मजे में वो करते हैं। हरप्रीत सिंह फैसल। हम लोग देखने वाले हैं मुंबई डायरीज़। मुंबई डायरीज़।
तो हम लोग मुंबई डायरीज देख रहे हैं, मुंबई डायरीज। चलो ना अभी अब जल्दी बाद में मिलते थोड़ी देर में। तो हमारे जो गणेश जी हैं उनका चूहा आपको मैंने दिखा दिया था, तो गणेश जी उनके हाथ में है घंटी, मैं आपको पहले बताया थी, और उनका एक हाथ भी ना खाली है। तो जो ऐसे हमने ऑर्डर दिया था 8 तारीख को, मतलब कल ही हमने ऑर्डर दिया था, और हमने उससे लड्डू कहा था और लड्डू से बनाना भी था, पर उसने जो मूर्तिकार है उसे लड्डू जो है ना वो बना के नहीं रखा है। तो कल से हम ओरिजिनल लड्डू रखेंगे इस पे, और राजा कह रहे हैं कि उसे बोल देंगे तो ऑर्डर देके बना देगा ना लड्डू। अभी हम जो ओरिजिनल लड्डू है वो रखेंगे, फिर प्रसाद में वो लड्डू। हर दिन का आइडिया सही है, हर दिन एक दो लड्डू भगवान जी के हाथ में रखो और फिर उन्हीं के हाथ से प्रसाद मिलेगा। नाचो सर नाचो, ढोल लाके तो नहीं नाचता है, घर में तो नाच सकते थे। हाँ यार वो अलावा नहीं है ना। थक गए, हो गया आज का डांस, आज इतना ही काफी है। मतलब ज़्यादा कंप्लीट हो गया, लुकाना ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ तुम थको, अब नहीं थक सकते। आज के लिए सही कॉफी है, क्योंकि अब पूरे 10 दिन एंजॉय करना है, तो आज के लिए फिलहाल इतना काफी है। हाँ तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, और अद्भिक का भी मैंने मसाज कर दी, तो मैं मसाज नहीं करने वाली थी, मैं बोला एक्सरसाइज वगैरह कर दूँगी थोड़ी, क्लॉकवाइज पोजीशन में बेली बटन के आसपास जो है वो मसाज करके मैं उसे हींग और वो क्या बोलते हैं गर्म पानी का लेप बनता है वो लगाया, और मैं उसके हाथ पे भी मसाज कर दी, और हल्की हल्की से मैंने उसको यहाँ पे मसाज कर दी, और मसाज करने के बाद उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, और आधे घंटे बाद ही उसने अपना पेट क्लियर कर दिया। पेट क्लियर करने के बाद मैं उसे फीड कराया और वो फिर सो गया, तो बहुत अच्छे से वो अभी सो रहा है। तो मैं ब्लॉग एंड करने वाली थी, उससे पहले मेरे को लगा मैं अपने आउटफिट देख लेती हूँ, और अगर मैं अपने आउटफिट देख रही हूँ कल के लिए, क्योंकि कल पूजा है, तो मम्मी पापा मैं और राजा और अद्विक हम 5 और हमारे दो प्यारे प्यारे मुन्ने, तो हम टोटल 7 लोग गणेश जी का स्वागत किया है इस बार। हम लोग पता पूरी फैमिली है इस बार। सोच रही हूँ कि या तो मैं ये साड़ी पहनूँ या तो मैं ये साड़ी पहनूँ, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं ये साड़ी पहनूँ, और ये ना पर्पल और ये वाला है ब्लाउज। तो ये ब्लाउज मैंने ऑनलाइन ही खरीदी है, क्योंकि अभी स्टिचिंग वगैरह का झंझट कौन पालता, तो मेरे को लग रहा है ये रेड पहनती हूँ, तो मैंने इसे खोला नहीं है अभी तक। फिर मेरी मम्मी ने दी थी, तो मैंने मम्मी से स्पेशल बोला था कि मुझे ना कुछ मराठी कुछ सिल्क साड़ी दीजिएगा, क्योंकि मुझसे ना ब्लॉग में सब लोग यही बोलते थे, हमेशा सबकी कंप्लेंट रहती थी कि मैं पूरे टाइम डिज़ाइनर साड़ी पहनती हूँ या फिर मैं नेट की साड़ी पहनती हूँ। तो ये है वो बहुत ही सुंदर सी साड़ी जो मेरे को लग रहा है मैं पहनूँ। राजा कह रहे हैं कि मैं साड़ी अच्छी सी नई नई पहनूंगी, और वो अपना कुर्ता पहनने वाले हैं, पर उन्हें कम्फर्टेबल रहना ज़रूरी है। तो साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, मैंने मंगवा लिया है ये वाला, और इसमें ना थ्रेड का काम है, और सबसे अच्छी बात ये है कि पैडेड है। तो चलिए मैं जा रही हूँ सोने, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।